हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुर्ती के डिज़ाइंस है जो मेरी बुटीक में कुछ डिज़ाइंस रेडी हुई है। जो डिज़ाइंस मुझे यूनिक एंड खास लगते हैं वो मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लेके आई हूँ। तो ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले से शूट कर रखी थी, बट इंट्रो की वजह से ये लेट हो गई है। तो मैं बिना इंट्रो के ही अब एक दो वीडियो ऐसे ही डालूंगी क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं है। तो ये देखिए, कॉटन की कुर्ती है जो रेडी हुई है। ये अफगानी सलवार के साथ में है। ये देखिए, ये प्रिंटेड कुर्ती है कॉटन की। तो इसकी फ्रंट में जो आप ये देख रहे हैं ये वर्क है, और ये इसमें जो हैंगिंग्स लगी हुई है ये इसके कुर्ती के साथ में ही आई थी अटैच। तो इसमें मैंने राउंड नेक बनाया है फ्रंट में। इसकी स्लीव्स पर मैंने ये बॉटम का ये फैब्रिक यहाँ पे ऐड किया है इस तरह से, और ये लेस मैंने यहाँ पर प्लेस की है। ये देखिए, तो ये मैंने इसका डिज़ाइन बनाया है स्लीव्स का, जो इसके नेक पे ये आप पट्टी जो देख रहे हैं बॉर्डर लगा हुआ है इसको मैंने देखते हुए इसमें डिजाइनिंग दी है। बैक का नेक मैंने की होल के साथ में बनाया है, जो मैंने डोरी लूप्स और बटन के साथ में इसको बंद किया है। ये देखिए, ये ट्रायंगल मैंने शेप दी है। तो ये डोरी लूप्स मैंने यहाँ पे लगाई है, आप चाहे तो आप डोरी वगैरह कुछ भी आप लगवा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे बटन इसमें ऐड किया है। तो ये इसका बैक नेक है, और बाकी की जो है कुर्ती वो बेसिक प्लेन है बिल्कुल बैक से। ये देखिए, प्रिंटेड है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ में। ये देखिए, ये मैंने इसकी अफगानी सलवार रेडी की है, और इसकी जो है सलवार के बॉटम पे मैंने जो ये पोंचे बनाए हैं उस पे भी मैंने ये वाइट लेस यहाँ पे इस तरह से ऐड की है। ये देखिए, ऐसी ही लेस मैंने स्लीव्स पे दी है, और यही लेस मैंने इसकी जो है पोंचे पर दी है। तो ये इसकी सलवार है, फुल्ली इलास्टिक है ऊपर से, नीचे इसमें मैंने प्लेट्स दी है। तो आप गैदर्स वाली या प्लेट्स वाली आप कैसी भी किसी तरह की सलवार बना सकते हैं। मैंने इनकी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो भी शेयर की है, अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं या आपको स्टिचिंग आती है, आप बनाना चाहते हैं इस तरह के डिज़ाइन, तो आप मेरी वीडियो देख के वहाँ से बना सकते हैं। तो ये इसकी सलवार है, देखिए फुल्ली इलास्टिक है ऊपर से, कंफर्टेबल है। ये देखिए, अब मैं नेक्स्ट आपको अपनी जो है कुर्ती दिखाती हूँ। ये भी अफगानी सलवार के साथ में ही रेडी हुई है। ये देखिए, ग्लास कॉटन की इसकी कुर्ती है। कलर इसका शायद ब्लैक पे अच्छे से फोकस नहीं हो रहा है। ये देखिए, इसमें जो आप फ्रंट इसका नेक ये पैच वर्क है, इसमें वर्क किया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें राउंड नेक बनाया है। और ये इसकी अफगानी सलवार रेडी की है, ये भी प्लेटेड मैंने बनाई है, और गोल्डन इसमें इसकी जो है कुर्ती में वर्क था, तो मैंने गोल्डन लेस पहुंचे के दोनों साइड में इस तरह से ऐड की है। ये देखिए, ये चंपा गोटा लेस है जो मैंने पहुंचे पे इसके पे ऐड की है। ये इसकी कुर्ती है, कुर्ती पे भी नीचे ये चंपा गोटा लेस दी हुई है। ये देखिए, और इसके नेक पे ये वर्क है। तो इसी तरह से मैंने इसकी स्लीव्स पर भी ये लेस ऐड कर दी है। और इसके बैक में मैंने नेक इसका बैक का सिंपल है, ये देखिए मैंने इसमें डोरी लटकन दी है। बैक की जो है नेक की शेप मैंने थोड़ी नीचे से वी टाइप में रखी है, और बैक में प्लेट्स है। ये देखिए, कुर्ती में बैक में प्लेट्स दी है। प्लेट्स मैं मोस्टली सभी में कुर्ती में डालती ही हूँ। ये इसकी सलवार है, अफगानी सलवार जैसी मैंने पहले आपको दिखाई थी सेम ऐसी है, बट थोड़ा सा पोंचे में डिजाइन चेंज है। तो पोंचे का डिजाइन जो इसकी जो है कुर्ती का फैब्रिक है या वर्क है, कोई भी प्रिंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं पोंचे का डिजाइन देती हूँ। तो इसमें गोल्डन आप वर्क देख रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने गोल्डन इसमें लेस दी है। अब नेक्स्ट ये कुर्ती है, ये भी कॉटन की है, जो मैंने ट्राउजर पैंट के साथ में रेडी की है। ये आप इसमें कुर्ती में जो देख रही है फ्रंट में ये पैच इस तरह से ऐड था। ये देखिए,
और इसमें फ्रंट का जो है नेक बना हुआ था ऑलरेडी, राउंड नेक। तो इसके साथ में मैंने बनाई है ट्राउजर पैंट। आप देख रहे हैं इसका जो फ्रंट का ये पैच वर्क है, इसमें थोड़ा वाइट कॉम्बिनेशन है, तो मैंने वाइट कॉम्बिनेशन यहाँ से उठाते हुए इसमें वाइट लेस की जो है वर्क दिया है। इसके फ्रंट में भी मैंने बॉर्डर पे ये वाइट लेस दी है, क्योंकि नीचे से ये बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। तो ये है कुर्ती इसकी। इसकी स्लीव्स मैंने बनाई है, गैदर्स वाली स्लीव्स बनाई है इसकी, कफ स्लीव्स। तो ये वाइट लेस मैंने यहाँ पे इसके बॉर्डर पे अटैच की, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने ये कफ स्लीव्स बनाई है, तो इसके दोनों साइड में मैंने ये वाइट लेस यहाँ पर ऐड की है और गैदर्स इसमें डाली है। स्लीव्स में ज़्यादा मैंने गैदर्स नहीं दी है, ये देखिए। तो ये इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ये मैंने इसका बैक नेक बनाया है, इस तरह का मैंने इसमें डिजाइन दिया है। ये मैंने इसमें डोरी टैसल्स ऐड किए हैं, ये देखिए। अब बात करते हैं इसकी ट्राउजर पैंट की। तो ये मैंने इसकी स्ट्रेट ट्राउजर पैंट रेडी की है। यहाँ पर भी मैंने वाइट लेस का जो है इसमें डिजाइनिंग दी है, ये देखिए। नीचे मैंने ये वाइट लेस ऐड की है, बीच में सेंटर में इसके में एक कट देके ये वाली लेस ऐड की है यहाँ पे। तो ये वाला डिजाइन काफ़ी पसंद आया सभी को, इस वाले डिजाइन को देखकर। 5-6 डिजाइन्स और तभी सभी ने बोले कि हमें भी यही वाला डिजाइन चाहिए, ये देखिए। ये इसकी पॉकेट है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। तो ये इसकी स्ट्रेट पैंट रेडी हुई है, ये देखिए। तो कौन सा वाला डिजाइन जो है आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सी वाली कुर्ती का डिज़ाइन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। और भी ऐसे ही डिजाइंस की वीडियोज़ मैंने शेयर की हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो आपको सभी तरह की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो भी मिल जाएगी, वहाँ पे देख के आप बना भी सकते हैं। और इस तरह के स्टिचिंग पैटर्न्स की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, वहाँ भी आप देख के बना सकते हैं। और ड्रेसेज की भी मैंने वीडियो शेयर की हुई है, और मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने ड्रेसेज रेडी की है करवा चौथ की। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, और जो साथ में बेल आइकन दिया होता है उसको भी प्रेस करना होगा, जिससे कि नेक्स्ट मैं जो भी वीडियो शेयर करूँ आपको सभी का नोटिफिकेशन मिले और आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सके। तो ये मेरा नेक्स्ट जो है कुर्ता सेट है, ये भी ट्राउज़र पैंट के साथ में रेडी हुआ है, कॉटन का है ये। तो इसके फ्रंट में ये आप देख रहे हैं पैच इस तरह से ये लगा हुआ था। इसकी भी स्ट्रेट ट्राउजर पैंट बना के रेडी की है। तो ये ब्लैक कलर की ही कुर्ती है, और ब्लैक नीचे इसमें मैंने कपड़ा ये ऐड किया, इसलिए इसका कलर थोड़ा आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। तो ये इसकी कुर्ती है, ये देखिए, फ्रंट का नेक मैंने बनाया है। और इसकी स्लीव्स मैंने सिंपल ही रखी है, बस नीचे इसमें देखिए ये गैदर्स मैंने इसकी ट्राउजर पैंट की जो है प्लेट इस तरह से डाल के इसमें नीचे ऐड की है, ये देखिए। स्लीव्स को मैंने ये सिंपल ही रखा है इस तरह से। और अब बात करते हैं इसमें मैंने थोड़ी ये लटकन डिजाइन वाली दी है, ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रही है लटकन। ये शायद वीडियो में इतनी अच्छी नहीं आ रही है, बट रियल में बहुत ही प्यारी लग रही थी। साइड में मैंने लेस दी है, ये देखिए, ड्रॉप शेप की ये लटकन्स है। साइड में मैंने इसमें लेस अटैच की है, और इसका बैक नेक मैंने थोड़ा डीप रखा है इस तरह से, ये देखिए। तो कुछ स्वीट हार्ट शेप में मैंने इसका बैक का नेक बनाया, और ये डोरी टैसल्स इसके साथ में मैंने रेडी की है। स्लीव्स भी मैंने इसकी सिंपल ही रखी है, और ये इसकी ट्राउजर पैंट है, ये देखिए। ट्राउजर पैंट जैसे कि मैं बनाती हूँ, फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक, और इसकी जो मैंने ये कटवर्क की इसकी मोहरी बनाई है, ये देखिए। अब नेक्स्ट ये पीस है, ये भी अफगानी सलवार के साथ में रेडी हुआ है,
ये देखिए, ये इसकी कुर्ती है इस तरह की, और इसकी स्लीव्स भी मैंने अफगानी सलवार के ही अकॉर्डिंग बनाई है। ये लेस ऐड की है दोनों साइड में, क्योंकि कुर्ती में जो है आप देख रहे हैं गोल्डन टच है, तो मैंने इसकी स्लीव्स भी इसी तरह की बनाई है प्लेट्स डाल के। ऊपर मैंने इसमें प्लेट्स नहीं दी है, बस नीचे इसकी मोहरी पे गैदर्स डाली है और ये कफ इसमें ऐड किया है। और ये है इसकी अफगानी सलवार, ये देखिए नीचे इसमें प्लेट्स है, ये दोनों साइड में मैंने चंपा गोटा लेस वही गोल्डन टच के साथ में ऐड की है, ये देखिए। तो ये वाली जो अफगानी सलवार आप देख रहे हैं, जो मैंने पहले अफगानी सलवार दिखाई है, उनसे ये चेंज है। ये ऊपर से सलवार जैसी है बिल्कुल, पहली वाली जो अफगानी सलवार थी उनमें ऊपर प्लास्टिक थी, वो ट्राउजर पैंट टाइप में थी, और ये सलवार है इसके बस पहुँचे उसी तरह से डाले हुए प्लेट्स डाल के। इसकी भी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी अगर आप इस तरह की जो है सलवार रेडी करना चाहते हैं तो। तो दोनों जो है अफगानी सलवार की मैंने कटिंग स्टिचिंग की वीडियो शेयर की हुई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और ये बाकी की जो है कुर्ती प्लेन है। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए। तो बहुत जल्द मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।